अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की अपील पर 23 राज्यों से आई हजारों महिलाओं ने अपने खिलाफ बढ़ते हिंसा के विरोध में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक पैदल मार्च किया। इन महिलाओं ने कहा कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जगह जगह सरकार यौन हमलावरों के साथ खड़ी नजर आ रही है। आइडवा की अपील पर केंद्र सरकार के खिलाफ जुटी इन महिलाओं ने कहा कि उन्हें उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा, दहशत, बेरोजगारी और भूख से आजादी चाहिए। प्रदर्शनकारियों का मार्च जब शुरू हुआ तो तेज बारिश होने लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना मार्च नहीं रोका। तेज बारिश में भीगती महिलाएं जंतर मंतर तक गईं और अपने सवालों पर आवाज बुलंद करती दिखीं। इन महिलाओं की अगुवाई कर रही सीपीआईएम की नेता वृंदा करात ने कहा कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि ये है कि सत्ताधारी दल बीजेपी हर जगह आरोपियों के साथ है और उनके बचाव में खड़ी है। सवाल है कि जो अपराधी हैं, उसमें मोदी जी और उनकी पार्टी वो खड़े होकर अपराधियों का साथ दे रहे सब जगह, चाहे वो मुजफ्फरपुर का कांड हो, चाहे उन्नाव का कांड हो, चाहे कथुआ का कांड हो। उसमें ये पाया जा रहा है कि मोदी जी की पार्टी, अमित शाह की पार्टी उन अपराधियों के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, जनवादी अधिकारों पर आज तमिलनाडु में क्या हुआ, सोफिया के साथ उसने कहा बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, बिल्कुल सही कहा। क्या वो नहीं कह सकती है, 2 हफ्ते जेल में भेज दिया, उनकी इतनी हिम्मत? और जितने एक्टिविस्ट हैं सब जेल में भेजे जा रहे हैं, जबकि उनके जितने भी गुंडे हैं वो सब छाती पीट कर घूम रहे हैं। सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने कहा कि सरकार की लचर नीतियों के चलते तमाम राज्यों में भूख से मौतें हो रही हैं, मनरेगा के तहत काम करने के बावजूद मजदूरी नहीं मिल रही है। आधार कार्ड को इस तरह से लागू किया जा रहा है कि गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं, झारखंड में, बरेली में ऐसे केस हो रहे हैं, और किसी तरह का कोई काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा का काम करीब करीब बंद है, और जिन्होंने काम किया है उन्होंने 2-2 साल तक उनको वेतन नहीं मिला है, मजदूरी नहीं मिली है। तो इन सारे सवालों को लेकर के और महंगाई को लेकर के आज वो मजाक उड़ाया जा रहा उनका कि तुमको फ्री सिलेंडर दिया गया, जबकि सिलेंडर का दाम आज 800 रुपए से ज्यादा हो गया है।